गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। पहले हम आपको जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, जो कौन सा चैप्टर था हमारा, पापा खो गए, इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ा चुके थे। आज हम आपको सेकंड इसका पार्ट पढ़ाएंगे। तो पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो व्यक्ति था वो एक लड़की को उठा के ले आता है और उसको पेड़ के नीचे सुला देता है, ठीक है, और फिर कहीं खाने पीने की तलाश में वह चला जाता है। आज हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को। देखिए, लेटर बॉक्स जो था उसने क्या कहा कि मैंने देखा है उस इंसान को, अच्छी तरह करीब से देखा है, करीब यानी कि पास से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसा, बहुत गंदा आदमी था, हाँ, कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे उठा ही ना, कहीं ये मुझे उठा ना ले जाए। कोवा, ताऊ आपको। कोवा क्या कह रहा था, किसे कह रहा था, लेटर बॉक्स हो कि ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली यानी कि आधी खुली आँखों के सामने देखती है, पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स और कुआ एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। अब लेटर बॉक्स जो है वो कुए से कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई जो तुम इतना हंस रहे हो। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। अब पेड़ क्या कह रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं इनको ये उठा के ले आते हैं, इससे गंदा काम क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, उसने सोचा कि मुझे कोई स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में देख रही हूँ। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास पीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कोवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चार दिशाओं में गश्त लगानी पड़ती है, यानी कि चारों दिशाओं में घूमना पड़ता है, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, लड़की सोच रही है कि मुझे स्वप्न आ रहा है और खड़ी हो जाती है। लड़की, आ क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कुआ। कुआ सबको इशारे करता है, तभी सब एकदम चुप स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर क्या करती है, खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था, नहीं क्या कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे, और अब जैसे उसने देखा तो वो सब खड़े हुए थे, तो उसने सोचा कि मैं कोई सपना देख रही थी या कुछ और। फिर गौर से यानी कि ध्यान से देखती है सभी निस्तंभ, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी क्या थे, चुप थे, कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है। अब वो लड़की कह रही है कि मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। अब वो लड़की कहती है, सभी चुप हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर यानी कि अपने शरीर को सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। लेटर बॉक्स जो है वो पेड़ से कहता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, वह बहुत ज़्यादा डर रही है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है,
थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत लड़की, एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मत जा। लेटर बक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नाश पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। किसने कहा? लेटर बक्स ने। किससे कहा? लड़की से कहा। लड़की, लेटर बक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है ये सब कुछ। लेटर बक्स, कभी ना देखी होगी ऐसी चीज़, देख लो यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, है घर हमारी गली में है। लेटर बक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारी घर वाली सड़क। लेटर बक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कि कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बक्स हड़बड़ा कर, यानी कि घबरा कर, है नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खम्बा, कुआ, सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। लेटर बक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कह देता है। रोड? लेटर बक्स पेड़ से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खम्बा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? है कौन? लेटर बक्स खम्बा जीप काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़ है एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चौंस दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खम्बा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, तो फिर से अपने पांव टिकाती है घुंघरू की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या यह क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कुआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो, घबरा कर जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरों की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने आसपास सबको देखती है। लेटर बक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खम्बा, पेड़, कोवा, शाबाश।
लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास आओ, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी जाओ। बारी बारी सब उसके पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ जो खम्बा था वह सीधा खड़ा रहता है। खम्बे खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल वैसा बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खम्बा क्या करता है, स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हैं? चलो सब मिलकर, बड़े प्रयत्न सब मिलकर क्या करते हैं, बड़े प्रयत्न के साथ में के? सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में क्या करता है, बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीप काटता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खम्बे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, ऐ हम अब खेले हैं, ऐ पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोच कर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वहाँ लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्बा, कौन? वह वही वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच कुएं से उसके आने का वक्त हो गया है। उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। आया आपको इतना समझ में? देखिए पिक्चर देखिए। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खम्बा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, यानी कि कुछ कहते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है, यानी कि छुप जाती है। आदमी मूछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई, गई कहाँ गई वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, पेड़ खम्बा लेटर बॉक्स पोस्टर इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण यानी कि उसका बचाव करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत,
पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, पेड़, खंभा, लेटर बक्स, भूत, भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। खंभा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई, यानी कि खूब मजाक उड़ाया। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बक्स, अच्छी नाक कुटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो कहाँ है। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंता कर, सभी को चिंता होने लगती है। खंभा, गई कहाँ। कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, यानी कि धीरे से देखती है वो लड़की शरारत से। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से, कैसे पकड़ ली। लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मंजा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने तो दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बक्स, लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंभा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊँ। सभी, क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी, उठकर कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंभे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंभा, रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चौंच में उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़, उन्हें जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है, यानी कि मुद्रा में खड़ी हो जाती है। लेटर बक्स, बीच में ही कुएं से, उससे क्या होगा।
कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कोए की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इसमें मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बक्स शह शह, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिर जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया ये वाला चैप्टर, ये जो नाटक था विजय तेंदुलकर का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पे अपनी पुस्तक में से अच्छे से इसको रीड करेंगे, याद करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। और ध्यान दीजिए, जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको देती हूँ वो आप अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क में करेंगे, और मेरे जो पर्सनल फ़ोन नंबर हैं उस पर आप मुझे एक एक बच्चा वर्क करके और सेंड कर देगा अपने वर्क को, ठीक है। मैं उसमें मार्क करूँगी क्या करना है आपको, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, सबको अपना वर्क सेंड करना है मुझे, अपना नाम, क्लास और सेक्शन, ये सारे उसमें आपको डालने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।